मई में हालात बदलने की कोई उम्मीद बाकी न देख सलमान खान ने अपनी फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई की रिलीज तो स्थगित नहीं की, मगर इसे हाइब्रिड मॉडल के तहत दर्शकों के बीच पहुंचाने का फैसला किया। यानी फिल्म दुनिया भर में जहां जहां सिनेमा घर खुले हैं वहां सिनेमा घरों में रिलीज होगी। साथ ही पे पर व्यू मॉडल के आधार पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी आएगी, जहां दर्शक एक तय राशि चुकाकर फिल्म देख सकते हैं। जाहिर है कि हाइब्रिड मॉडल के तहत सबसे अधिक थिएटर्स बिजनेस प्रभावित होंगे। सलमान खान ने इसलिए अब सिनेमा घर के मालिकों से माफी मांगी है। अपने दर्शकों के साथ कमिटमेंट निभाने वाले सलमान खान थिएटर ओनर्स से किया वादा पूरा नहीं कर सके। सोमवार को दिए एक इंटरव्यू में सलमान खान ने कहा कि मैं सिनेमा घर के मालिकों से माफी मांगता हूं, जो इस फिल्म के रिलीज के मुनाफा कमाने की उम्मीद कर रहे थे। हमने इस उम्मीद में कि पैंडेमिक खत्म होगा और हम फिल्म को देश भर के सिनेमा घरों में रिलीज कर सकेंगे जितना संभव था इंतजार किया, लेकिन वैसा नहीं हुआ। नहीं पता कि चीजें कब सामान्य होगी। सलमान ने राधे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर कहा, राधे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जीरो होगा। सलमान खान की किसी फिल्म के लिए ये सबसे कम होगा। भारत और ओवरसीज में फिल्म सामान्य के मुकाबले कम सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है, इसलिए बॉक्स ऑफिस कलेक्शन खराब होगा। प्रभु देवा निर्देशित राधे में सलमान खान के साथ दिशा पठानी, जैकी श्रॉफ और रणदीप हुड्डा भी दिखेंगे। इस खबर के बाद आपके क्या कहना दोस्तों, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आप ऐसे ही बॉलीवुड की लेटेस्ट खबरें पाने के लिए आप बॉली न्यूज़ अब देखते रहें। आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस जरूर करें। नमस्कार।